चलो तो अब हम लोगों को पढ़ना है हाँ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो पहले तो यही सोचना पड़ेगा ना, ये इम्प्लिसिट है क्या। तो देखो दो शब्द हैं अपने पास, एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। ठीक है, अभी तक तुम लोग जितना भी फंक्शन देखे हो ना, अधिकतर कंपोजिट फंक्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो सारे फंक्शंस हैं ना उनको तुम ऐसा आराम से लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जितने भी फंक्शन देखे हो सबको लिख सकते हो कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इस टाइप का सारा फंक्शन देखे हो, मतलब एक सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन देखे हो अभी तक, तो यही देखे हो अच्छी तरह से। तो ऐसे फंक्शंस जिनको मैं क्लियरली लिख सकता हूँ वो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, मतलब उनको आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिनमें एक्स और वाई का रिलेशन बड़ी ही क्लियरिटी के साथ देखा जा सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो। तो मैं तुमको बोला एक्स माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो इसमें हम लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वाई को इधर पार्सल करो और वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स माइनस पाई। तो ये देखो, ये ऐसा नहीं है, वाई इज एफ ऑफ एक्स है ना। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसको मैं आसानी से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, आराम से वेरिएबल डिपेंडेंस को दिखा सकता हूँ बहुत ही क्लियरली से, कोई दिक्कत। लेकिन एक्सप्लिसिट फंक्शन का एक एग्जांपल देखो। ये ले लेते हैं एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या इसको कुछ भी करके वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं होगा। तुम वाई उधर भेज दोगे, यहाँ भी तो वाई है ना। फिर इसको अगर सोचोगे इन्वर्स लेने का तो इसमें साइन के अंदर ये चला जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से वाई को एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल नहीं दिखा पाओगे, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे उस रिलेशनशिप को। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रिलेशनशिप है। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोगों को ऐसे अजीब, अभी तक हमने इस टाइप के सारे फंक्शंस का एफ डैश एक्स या फिर वाई डैश या डीवाई बाई डीएक्स निकाल लिया, बट ऐसे फंक्शंस के लिए क्या? तो अब हमारा यही टारगेट है कि अब हम लोग ऐसे फंक्शंस को कैसे करेंगे ये देखेंगे। समझ में आई बात? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो इनमें देखो इसमें टॉपिक में कुछ खास नहीं था, समझाने को बस यही था कि इम्प्लिसिट क्या होता है एक्सप्लिसिट क्या होता है समझ जाओ। अब सवाल करो और सवाल के साथ देखो कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहला जो सवाल हम लोगों को लेना है वो है आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। हमको दिया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। देखो ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है क्योंकि मैं वाई को इधर कर दूं, पाई को उधर कर दूं, यही है ना। तो इसका तो मैं आराम से निकाल सकता था। ठीक है, तो इसको अगर अपन ऐसा लिख दें वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फिर? 1 माइनस 0 मतलब 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, लेकिन इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है जो हम लोग यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, जिससे बाकी सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करना होगा। ठीक, तो देखो उसके लिए क्या करोगे कि हम लोग यहाँ पे जो एक्स माइनस वाई है ना इसको करेंगे। तो इसको हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई इज अ कॉन्स्टेंट सो ये 0 आएगा, कोई दिक्कत? ठीक, अब डी जो है वो इन दोनों पे जाएगा। तो पहला क्या होगा? डी एक्स बाई डी एक्स, और दूसरा क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा? तो 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो ये वाला मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो एक और सवाल लेते हैं। सेम सवाल है, dy बाई dx ही फाइंड करना है हम लोगों को, बट हमारे पास है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। फाइंड इसमें भी हमको डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। तो क्या करें? बहुत आराम से दोनों साइड में डी बाई डी एक्स निकालते हैं। चलो तो डी बाई डी
dx of y plus sin y is equal to d by dx of cos x. ठीक है, अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में माइनस साइन x होता है, ये मालूम है हमको, तो हमने लिख दिया माइनस साइन x, कोई दिक्कत? अब देखो d by dx of y क्या आएगा, dy by dx आएगा, लिख लो dy by dx, कोई दिक्कत? लेकिन जब हम लोग साइन y के साथ करेंगे तो क्या होगा, d by dx करना है, और ये है किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं पहले, तो साइन का क्या होता है cos, तो चेन रूल यूज करते हैं, एक फंक्शन साइन है दूसरा y है, ऐसा सोचो, ठीक है, तो साइन का क्या होगा cos y into, अब क्या करना है y का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में क्या आएगा dy by dx, तो यहां से dy by dx कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या है 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x, तो dy by dx की वैल्यू क्या आई माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, बताओ समझ में आया कि नहीं, तो ये इस तरीके से इसको करना था अपन को, ठीक है। हाँ हम लोग x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो जब हमने देखा था ना, तो x के फंक्शन को x के टर्म्स में जब करते हैं तो साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन x तथा ध्यान रखना था ना, फंक्शन भी x में था, डिफरेंशिएट भी x की टर्म्स में कर रहे थे, लेकिन जब y में करेंगे ना, अब ये कॉस y है, तो सोचो d बाई डी एक्स ऑफ अगर अपन कॉस y कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले तो अपन को कॉस को देखना होगा, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन वाई, फिर वाई जो है उसका करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये चेन रूल ही तो है, दो फंक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि वाई इज अ फंक्शन, वाई एक्स का एक फंक्शन है और साइन एक फंक्शन है, तो हमको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हम एक को नहीं कर सकते, बट एक्स फंक्शन नहीं है, एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस वजह से, या दूसरे लैंग्वेज में सोचो तो अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, अब देखो तो cos भी एक है और x को भी चलो ले लेते हैं एक बार, तो देखो cos का जब करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन x इंटू फिर d बाई डी एक्स ऑफ x, तो dx dx गायब हो जाएगा ना एक तरीके से, तो ये इसीलिए आता था, ये समझ गए कि नहीं समझे, तो ये एक्चुअल में ना जितनी बार भी तुमने सवाल सॉल्व किया ये आइटम हर बार आया है, हर जगह आया है, क्योंकि चेन रूल हर जगह एप्लीकेबल था, बट dx by dx होने की वजह से वो वन था, इसलिए अभी तक हम लोग उसको लिख नहीं रहे थे, लेकिन जब इम्प्लिसिट फंक्शंस आते हैं तो वो दिख जाता है, क्योंकि y आ जाता है वहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग कॉमन निकालते हैं फिर और सॉल्व करते हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत? चलो इसी सवाल को थोड़ा और कन्फ्यूजिंग बनाते हैं, और ये cos x को हटा के यहाँ पे डाल देते हैं cos y, ठीक है, तो चेंज तो बस इस साइड ही होना है, तो पहले मैं यहाँ तक दिखाता हूँ क्या होगा, cos y होगा तो क्या होगा माइनस साइन y dy by dx, ठीक है ना, अब ये माइनस साइन y को हम लोग इस साइड पार्सल करेंगे, तो प्लस साइन y dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है कि नहीं बताओ, तो जब dy by dx कॉमन लेंगे तो ये वन आएगा, यहाँ cos y और यहाँ प्लस साइन y इज इक्वल टू जीरो, अब देखो भाई dy by dx निकालने के लिए ये आइटम जब जीरो के नीचे डिवाइड करोगे तो आएगा क्या जीरो, तो कई बार चीज़ें बड़ी आसान भी हो जाती हैं, ठीक है ना, तो चलो इसको नोट करो फिर अगला सवाल करते हैं, चलो तो अगला सवाल हम लोग जो देखेंगे, अब देखो ऐसा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में ना हमारा एक और फंक्शन हो सकता है जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम उसमें भी यही मेथड यूज़ करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सवाल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, जो है वो आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, और आपको बोल रहा है कि एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, मतलब साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आपको डिफरेंशिएट इसको करना है, ठीक है, या इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेंगे एफ ऑफ एक्स को मान लेंगे वाई, तो हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स, बताओ कोई दिक्कत, अब इन्वर्स लेंगे अगर तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, लिखोगे ना,
ठीक है ना, दोनों साइड साइन ले लोगे तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन वाई और इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, एक्स बचेगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़े हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो तो दोनों साइड इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ वाई, साइन का क्या होता है कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, कॉस वाई। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है वन अपॉन कॉस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो कॉस की वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, अब क्या मैं साइन को कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस के टर्म्स में, ताकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हटा के मैं एक सिंपल फंक्शन यहाँ लिख सकूँ, आराम से लिख सकते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हम लोग ट्राइंगल रूल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको भी देखें। तो ये एंगल अगर मैं एक्स ले लूँ, या इसको देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मान लो जेड, तो एक्स इज इक्वल टू साइन जेड होगा। तो ये एंगल तुम्हारा जेड है अगर, तो एक्स अपॉन वन लिख सकते हो साइन जेड को, तो ये एक्स होगा। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस ट्राइंगल से तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस जेड की वैल्यू, कॉस जेड क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, हाइपोटेनस वन है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू लिख सकते हो कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहे यहाँ से लिखो, तो देखो भाई जेड साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, वन अपॉन कॉस कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, गायब, और हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट वन, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे याद भी होना चाहिए, और इसके डेरिवेशन को भी तुम लोग डिराइव कर सकते हो अपने आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, अब इसको नोट करो। और इसके अलावा बाकी नेक्स्ट जो है अपना वो टेन का है, टेन का भी सेम इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा छः और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कर सकते हो। ध्यान ये रखना कि इनका डोमेन कहाँ पे है, सवाल में कई बार बेवकूफ़ बनाने के लिए डोमेन बदल सकता है वो। अब तुम लोग एक्सरसाइज 5.3 के 15 सवाल ट्राई कर सकते हो, तो ट्राई करो, फिर देखते हैं और क्या।